Hello everyone, this is Ashish Jain. This is another video on PGBP. देखिए कल हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, दैट इज कंपटीशन ऑफ STCG अंडर सेक्शन 51 एंड 52. हमने कल अच्छे से देखा था इसको कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है. जैसे सेल कंसिडर, दैट मीन्स सेल करने पे अगर कोई भी वैल्यू रिसीव हुई है, दैट इज कॉल्ड सेल कंसिडरेशन. जो भी इतनी वैल्यू है उसमें से जितनी भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, दैट इज ओपनिंग जो WDV वो माइनस करेंगे, देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो एक्वायर किया वो एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दो, उसके बाद बेचने पे जो खर्चा आया वो भी माइनस कर दो, रेस्ट जो अमाउंट आया दैट इज कॉल्ड STCG कैलकुलेट होगा एज पर सेक्शन 51 एंड 52. ठीक है, मैंने आपको बताया था सर कि सेक्शन 51 कब अट्रैक्ट होता है एंड सेक्शन 52 कब अट्रैक्ट होता है. आपको बताया था मैंने कल कि 51 दैट मीन्स छोटा भाई, 52 दैट मीन्स बड़ा भाई. छोटा भाई के मैंने कहा था कब यह एक्टेड होगा, जब ब्लॉक ऑफ एसेट में से कोई, मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट जो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए तभी जो है 51 एक्टेड होगा, और अगर ब्लॉक ऑफ एसेट एम्प्टी हो गया तो फिर कौन सा सेक्शन, दैट इज सेक्शन 52. चलिए अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू तो समझते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल होता है. ऐसा मान लीजिए ओपनिंग WDV आपको गिवन है ऑफ ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट. मान लीजिए एसेट है, सपोज ए बी है, ए है एंड बी है. ठीक है, दोनों की वैल्यू ही कितनी कितनी है, 10,000 ईच. अब इसको जब सेल ऑफ करा, आपको सेल प्राइस गिवन है. सेल प्राइस के दो ऑप्शन गिवन है कि या तो 7,000 में बेच रहे हैं या फिर 12,000 में बेच रहे हैं. तो इस केस में अब हमें पता लगाना है कि कब सेक्शन 51 एक्टेड होगा और कब सेक्शन 52 एट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो हम इसके देखिए दो कंडीशन बना लेते हैं. जैसे इफ Only asset A is sold. देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट में कितनी है, दो एसेट हैं, बट उसमें से हमने पहला ऑप्शन बना लिया कि एक ही जो एसेट जो सोल्ड आउट हो रही है. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन लेके चलेंगे, इफ बोथ A एंड B आर सोल्ड, दोनों ही बेच दिए तब क्या होगा, कब क्या ट्रीटमेंट होगी तब देखेंगे. ठीक है, देखिए दोनों ही ट्रीटमेंट में हमें यही मेथड जो अप्लाई करना है. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. देखिए अगर सेल प्राइस कितनी है, 7,000 होगी, और कब आपका सेल प्राइस अगर 12,000 होगी तो फिर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से. देखिए ओपनिंग WDV कितनी होगी, 10,000 गिवन ही क्वेश्चन में. ठीक है, इसमें क्या ऐड करोगे आप, एडिशनल कोई भी अगर एसेट खरीदी है तो वो ऐड करोगे, लेकिन कुछ गिवन ही नहीं है. मान लीजिए हम लिखता हूँ एडिशनल परचेजेस, वो तो आपको कुछ गिवन ही नहीं है. ठीक है, फिर लेस के लिखोगे सोल्ड वैल्यू, कितने में बेची, 7,000 में बेची. ठीक है, तो आपकी WDV कितनी बची, 3,000 की. आपकी WDV कितनी भी, 3,000 की. दैट मीन्स देखिए उसकी जो वैल्यू कितनी थी, 10,000 की थी. ठीक है, बट उसको बेचा कितने पे, 7,000 में. ठीक है, तो एक तरह से इसको तो कोई मतलब लॉस तो हुआ नहीं है, तो WDV वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 3,000 मानी जाएगी. ठीक है, बट अगर वही केस अगर मान लीजिए 12,000 होता तो क्या होगा, ओपनिंग WDV क्या होगी, 10,000 हो जाएगी, एडिशनल कुछ परचेज नहीं किया, सेल कितने पे किया, 12,000 पे किया, तो ये तो गेन हो गया. तो इस उस केस में जो है वो क्या माना जाएगा, STCG माना जाएगा, यानी कि PGBP पे अराइज नहीं होगी. ठीक है,
ये क्या था आपका डब्ल्यू डी, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, कैपिटल गेन कब कब कैसे होगा? देखिए देखिए, इसमें तो आपका कैपिटल गेन अराइज ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो लॉस हुआ, आपको कुछ आएगा ही नहीं। बट इन दिस केस आपका कैपिटल गेन अराइज होगा। कितना होगा? 12,000 में बेचा, थी कितने की? 10,000 की, तो 2,000 का क्या हो जाएगा आपका? एसटीसीजी, ठीक है। अब ये एसटीसीजी किसके अकॉर्डिंग आएगा? अंडर सेक्शन 51। क्यों? क्योंकि एसेट ए की बेची है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या ऑप्शन दिया था कि एक ही एसेट बेच रहे हैं, जबकि ब्लॉक ऑफ एसेट में कितनी एसेट है? दो एसेट है, ए एंड बी, ठीक है। अब हम लेते हैं अगर दोनों बेच रहे हैं तो उसकी हम अगेन दो ऑप्शन लेंगे। मान लीजिए अगर सेल प्राइस अगर 7,000 हो तब क्या होगा, या फिर सेल प्राइस अगर 12,000 हो तब क्या होगा? फॉर्मूला वही होगा। देखिए ओपनिंग कितनी होगी? 10,000 होगी, ठीक है। एंड एडिशनल कुछ हुआ नहीं तो बेचा कितने पे? 7,000 पे, माइनस करेंगे 3,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3,000 नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एसेट नहीं बची, बची ही नहीं तो कैसे होगा सर? इसका मतलब क्या वो लॉस होगा? जी हाँ बिल्कुल लॉस होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस टी सी जी नहीं होगा, एस टी सी एल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। यहाँ पर 7,000 था, लॉस में बेचा, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सेक्शन 51 का कहता है कि अगर कोई भी एक एसेट बची है, ठीक है, तो उसकी जितना भी लॉस हुआ वो अगले डब्ल्यू डी बी में वो जाकर लेस हो जाता है, क्योंकि कोई और एसेट तो होगी होगी उसके पास, ठीक है। बट अगर सारी एसेट बिक जाती है और फिर भी अगर लॉस होता है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10,000 की वैल्यू थी, बेचा कितने पे? 12,000 पे। तो यहाँ पर तो मैंने आपको पहले बताया था आपको अराइज ही नहीं होगा, तो यहाँ पर तो आपका हर हालत में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होगा। ये क्या बन गया आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो देखिए ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन बनाया था, आपको इससे हेल्प मिलेगी। जैसे देखिए ओपनिंग डब्ल्यू डी बी ब्लॉक ऑफ एसेट की दो दो सेट है, ए एंड बी, उसकी वैल्यू 10,000 है, उसकी वैल्यू 10,000 है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर ए की एसेट बेचते हैं, ए की एसेट बेचते हैं, चलो ये सॉरी इसको मान के चलते हैं कि ये दोनों की वैल्यू ही 10,000 है, ईच नहीं, दोनों की वैल्यू ही 10,000 है, ठीक है। तो देखिए अगर ए की एसेट बेचेंगे, सेल प्राइस कितना होगा? पहले हम ये ले रहे हैं 7,000, ठीक है। तो ओपनिंग कितना है? 10,000, बेचा कितने में? 7,000, तो 3,000 का लॉस हो गया। लेकिन अगर ए की एसेट बेच रहे हैं तो वो जितनी भी डब्ल्यू डी बी वैल्यू आएगी वो दूसरे एसेट के साथ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी ब्लॉक ऑफ एसेट एम्प्टी नहीं हुआ, अभी भी है, ठीक है। लेकिन अगर वही सिचुएशन में अगर 12,000 में बेची तो फिर पी जी बी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो दैट मीन्स प्रॉफिट ही बेचा, तो यानी गेन हुआ, तो गेन हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। कौन सा सेक्शन में आएगा? अंडर सेक्शन 51। क्यों? क्योंकि अभी भी ब्लॉक ऑफ एसेट एम्प्टी नहीं हुआ। देन अगर मान लीजिए दूसरा केस है, अगर दोनों ही एसेट बेच देते हैं तो फिर देखिए सेल प्राइस कितना है? 7,000 है, सारी एसेट बेच दी, तो फिर डब्ल्यू डी बी एडजस्टेड नहीं होगी, तो फिर पी जी बी का कुछ काम ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर जितना भी लॉस हुआ वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। गेन के केस में तो सेम ही। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51 एंड 52। चलिए अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि हम मेनली फोकस आज हम किस पे करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, यानी कि कौन कौन से खर्चे हम जो यहाँ पर अलाउड होंगे। ये कौन सा सेक्शन में बात हो रही है? सेक्शन 43(1) में बताया गया है कि कौन कौन से खर्चे जो है, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट रिक्वायर्ड में हम अलाउड करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट है कैश पेमेंट, यानी कि अगर पेमेंट अगर कैश करी किसके लिए? फॉर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। एसेट एक्वायर्ड करने में अगर कोई भी खर्चा हो, जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई भी खर्चा कैश में हो तो क्या होगा? क्या लिखा है? पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। दैट मीन्स अगर पेमेंट
की हुई है 10,000 से ज्यादा किसी एक दिन में एक व्यक्ति को, किसके लिए? इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एसेट, यानी कि एसेट को खरीदने के लिए कोई भी खर्चा दिया हो किसी एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को, अगर वो पेमेंट 10,000 ज्यादा है तो फिर वो जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअल पैड, लिखा हुआ ना, सच पेमेंट शेल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ अदर देन प्रिस्क्राइब्ड बैंक मोड, यानी कि यहाँ पर 43(1) में बताया है कि अगर आप इस प्रिस्क्राइब मोड में देते हो तो फिर जितनी पेमेंट करोगे वो सब आपके लिए अलाउड है। कौन कौन से दिखाने से देखो, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, UPI, ECS, क्रॉस चेक और बिरे चेक अलाउड नहीं है। ओके सर, मतलब अगर 12,000 का हो तो क्या होगा? सिर्फ 10,000 तक का होगा, 2,000 नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल लिखा सुना आपको। जैसे मान लीजिए मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, परचेज ऑफ ₹5 लाख, इसकी पेमेंट कर दी सपोज डेबिट कार्ड से। अब इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जो कुछ खर्चा आया है, मान लीजिए वो कितना है, सपोज 16,000 आया कैश में, आया कैश में हमने खर्चा किया, तो फिर कितना आप करोगे अलाउड? अलाउड कितना होगा? एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी ओनली ₹5 लाख। अच्छा, मैंने आई थिंक ऊपर मैंने गलत बोल दिया, मैंने आपको जो 12,000 का एग्जाम्पल दिया था उसमें अगर एक्सीड हुआ तो पूरा का पूरा वो डिसअलाउड हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी इस केस में अगर मैंने मशीनरी 5,000 5 लाख की करी है, वो अगर डेबिट कार्ड से करी है, ट्रांसपोर्टेशन को 16,000 हो गया, एक दिन में एक व्यक्ति को 16,000 पे करें, तो वो 16,000 जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है ऑफ ₹5 लाख, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर्ड हुआ कितना? 7,000। ये तो मान लीजिए पे करा डेबिट कार्ड से, ये मान लीजिए पे करा कैश में, फिर उसके बाद मान लीजिए इंस्टॉलेशन चार्जेस, सपोज पे किया 13,000, और ये भी कैश में पे किया। अब ये क्वेश्चन बताए कि कितना जो है एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पर? 5,07,000। ठीक है, एडमिन जो 13,000 का कैश में वो पूरा पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसर्च यूज एसेट्स, इसका क्या मतलब? मान लीजिए आपकी कोई एसेट थी जो आपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे, अब या तो आपने रिसर्च बंद कर दी या फिर अब आपने वो जो एसेट यूज कर रहे थे वो एसेट अब उस रिसर्च से काम नहीं आ रही, तो वो आपने पूरी उसको निचोड़ दिया उस एसेट को रिसर्च में यूज करने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, उसको नॉर्मल बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? नील। मान लीजिए आपका कोई अपना कोई पर्टिकुलर रिसर्च है, उस पर्टिकुलर रिसर्च पे आप कोई एक एसेट यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या करा उस एसेट को, या तो आपने वहां से निकाल दिया, ठीक है, या आपने रिसर्च बंद की, कुछ भी रिसर्च बंद कर दी, उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर एसेट को आप अपने नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस में लेके आ गए, तो उस टाइम पे उसके एक्चुअल कॉस्ट क्या मानेंगे? WDV क्या होगी? ओपनिंग WDV नहीं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इन केस ऑफ गिफ्टेड एसेट क्या होगा? एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, सो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। जी हाँ, प्रीवियस ओनर, यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी दोस्त से अपने कोई एसेट ली, गिफ्ट मिल ली, तो उसकी जो कॉस्ट, जो जितने उसने खरीदी थी, वही की क्या हो जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी सर, उस पर डेप्रिसिएशन भी होगी, क्योंकि मान लीजिए उसने हमने पिछले साल उसने वो एसेट खरीदी हो, और लेकिन हमने अपने दोस्त से जो इस साल खरीदी है, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन, जी हाँ, डेप्रिसिएशन लेस होगा। कितना डेप्रिसिएशन लेस होगा? डेप्रिसिएशन अलाउड एक्चुअली क्लेम्ड बाय प्रीवियस ओनर, जितना उसने प्रीवियस ओनर, मान लीजिए आपने उससे अपने फ्रेंड से
एसी खरीदिए, दो एसी खरीदे आपने अपने नॉर्मल बिजनेस में से लेके आ गए, तो फिर मान लीजिए अब वो एसी मान लीजिए उसने जो 3 साल वाले खरीदे थे आपने, उसके बाद उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में लेके आ गए, उसने आपको गिफ्ट कर दिया, आप उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में लेके आ गए। अब क्या बोला, डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्लेम्ड बाय द प्रीवियस ओनर। मान लीजिए प्रीवियस ओनर में मान लीजिए एक एसी की कॉस्ट उसने उस टाइम 35,000 में खरीदे थे, दो एसी के हो गए 70,000 के हो गए, 3 साल बाद यूज़ करा, अब वो 3 साल बाद जैसे भी चल रहा हो, मान लीजिए बहुत ख़राब चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मान लीजिए उसने एसेट जो डेप्रिसिएशन लगा सपोज 90% लगा दिया, तो क्या 90% अलाउड होगा? होगा, जितना प्रीवियस ओनर ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उतना ही आपका अलाउड होगा। बट उसकी एक शर्त है, शर्त क्या है, ये डेप्रिसिएशन अलाउ तभी होगा अगर उस प्रीवियस ओनर ने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ किया हो, यानी कि अगर पर्सनल, यानी कि मान लीजिए पहले वो अपने घर में इसको एसी को यूज़ करता था, अब उसने आपको गिफ्ट कर दिया, अब आप वो भी एसेट जेब किसकी का यूज़ कर रहे हो, अपने नॉर्मल बिजनेस लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, कॉस्ट ले सकते हो लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स, सेकेंड हैंड एसेट क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर किसी भी पर्सन ने एसएससी को सेकेंड हैंड गुड दे दिए, मान लीजिए आप एसएससी हो, ठीक है, आपने जो किसी भी पर्सन से, चाहे वो कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे वो सोल प्रोवाइटर हो, या फिर कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर आपने उससे सेकेंड हैंड जो है कोई भी एक एसेट जो आपने खरीदी, तो उसकी वैल्यू क्या आप क्या लोगे, या फिर ये कह सकते हो कि एक्चुअल कॉस्ट आप क्या कंसिडर करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके ये होगा, मान लीजिए आपने जो भी एसेट खरीदी और अगर आप असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हो, ठीक है, तो जो असेसिंग ऑफिसर बताएगा, वैल्यू बताएगा, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। बट याद रखना, असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई अगर नहीं हुआ, अगर उसने देखा कि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, तो वो अपने तरीके से उसकी एसेट की जो वैल्यूएशन बताएगा, उसके हिसाब से आप जो इसमें क्या करो, एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर करोगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की देखिए अलाउ तो है, डेबिटेबल, डेबिट के लिए अलाउड है, बट किसके लिए है, कब तक होगा आपका, अप टू दी फर्स्ट पुट टू यूज। क्या मतलब सर इसका, मान लीजिए ये 1920 ईयर्स है, ठीक है, आपने कोई एसेट खरीदी, आपने उस पर लोन पर खरीदा, आपने मशीनरी अपने रख दी, लेकिन अभी तक आपने उसको बिजनेस के लिए यूज नहीं किया। अब मान लीजिए आपने मिडल ऑफ दिस ईयर यहाँ पर आपने जिसको क्या करा, पुट टू यूज बिजनेस में लेके आ गए, तो फिर आपको जो इसकी जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करोगे, जो आप डेबिट में ऐड करोगे पीएनएल को, तो जितना भी इस पीरियड में करोगे ना वो डेबिट होगा, ठीक है, ये वाला अलाउड नहीं होगा। यानी जिस डे से आपने वो एसेट अपने बिजनेस में लेके आए, उस दिन से जितना भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो बैंक को, वही आपका डेबिट के लिए अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडाइज एसेट, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कोई भी दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है, एनजीओ भी दे सकती है, या फिर कोई ग्रांट दे दिया, या फिर कोई रीइंबर्समेंट हो गया, तो इस केस में एक्चुअल कॉस्ट होगी एक्चुअल कॉस्ट माइनस सब्सिडी, दैट्स इट। सेवन पॉइंट, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ये टॉपिक मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट ईयर, कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए आप कोई एक एसेट परचेज करने गए, अब शॉपकीपर ने आपको बोला कि इसकी जो कैश कॉस्ट प्राइस है, अगर आप अभी आप पूरी पेमेंट करना चाहते हो, तो उसकी प्राइस कितनी होगी, 4 लाख रुपीज़। अब आपने शॉपकीपर, नहीं मेरे पास में पैसे नहीं है, आप उसकी डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट बता दीजिए कितनी बनेगी, तो शॉपकीपर ने आपको जो इंस्टॉलमेंट बता के बता दिया कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 4,80,000, और उसकी 10 इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है, दैट मीन्स 40,000 ईच। अब आप पर डिपेंड करता है, या तो आप हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग खरीदोगे या फिर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आपने परचेज किया एज पर हायर परचेज सिस्टम, तो जो कॉस्ट तो कितनी होगी, 4 लाख रुपए की, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ही जो है आप डेबिट करोगे। अगर आपने हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग खरीदा, तो सिर्फ इंटरेस्ट जो आप पे करोगे, दैट इज कितना इंटरेस्ट हुआ, 80,000, सिर्फ वही आप
पी एंड एल में डेबिट करोगे, बाकी नहीं करोगे। बट अगर आपने इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम के परचेस खरीदा तो कॉस्ट पूरी पूरी कॉस्ट यानी कि 4 लाख 80,000 कॉस्ट मानी जाएगी और वही पूरा का पूरा आपका पी एंड एल में डेबिट के लिए अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट GST एंड ITC फॉर डिप्रिसिएबल एसेट्स। देखिए आप GST में एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि अगर कोई सामान बेचता है तो उसको जो है टैक्स बेनिफिट लेता है वो, अगर कोई भी वो डिप्रिसिएबल एसेट खरीदता है तो गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पर आपको कि जो सेलर है या फिर कोई ट्रेडर है तो वो यहाँ पर कोई डबल बेनिफिट ना उठा ले। गवर्नमेंट बोलती है या तो आप इसका बेनिफिट GST में ले लो या तो आप यहाँ पर ले लो। देखिए क्या बात बोल रही है, मान लीजिए एसेट परचेज करी 20 लाख की, उस पर GST कितना लगा रहा, 12%, तो टोटल टैक्स कितना हुआ GST 2,40,000, टोटल टोटल पेमेंट कितनी हुई 22,40,000। तो इस 40,000 पे ये ऑप्शन छोड़ दिया SSC के ऊपर कि या तो आप GST में इसका ITC बेनिफिट ले लो या तो आप इसका PGBP में इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स में आप इसका बेनिफिट P&L में डेबिट कर दो, दोनों में से एक कर सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, क्या बोला, देखिए इफ SSC अवेल ITC अंडर GST देन एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी 20 लाख की होगी, यानी कि 2,40,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरी पूरी कह रही होगी डेबिट हो जाएगी। बट अगर ITC का बेनिफिट नहीं लिया तो पूरे ऊपर 22,40,000 वो डेबिट P&L में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग, यानी कि अगर आपने कोई भी अपनी पर्सनल एसेट अगर आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लेके आ गए तो उस केस में क्या हो। देखिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है आपको, मान लीजिए आपने बिल्डिंग जो है 30/9/2016 को आपने 24 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और उस बिल्डिंग को या तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो या तो फिर लेट ऑफ कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, आप कौन हो यहाँ पर, ऑनर हो। ठीक है, अब क्या करा आपने 20/6/20 मई 2019 को आपने ये बिल्डिंग जो है बिजनेस पर्पज के लिए लेके आ गए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी हमें ये पता लगाना है। ठीक है, देखिए ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर कोई टेनेंट होता है तो वो उसकी डीम्ड बिल्डिंग मान जाती है, लेकिन अगर वो ओनर हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा उसी की बात हो रही है। देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी 2,40,000, तो इस पर देखिए डेप्रिसिएशन कितना लोड होगा। देखो आपको अब आपको शायद डेप्रिसिएशन रेट आपको याद होता होगा, बिल्डिंग में हमने पढ़ा था अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 5%, लेकिन अगर बिल्डिंग कमर्शियल हुई या फिर बिजनेस परपज हो रही है तो फिर डेप्रिसिएशन कितना रेट है अप्लीकेबल होगा, दैट इज 10%। तो यहाँ पर अब देखिए वही होगा, नॉमिनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 5%, क्योंकि इस पीरियड से लेकर यहाँ देखिए फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड जितना भी पीरियड हुआ उस पर कितना लगेगा 5%, लेकिन इस डेट के बाद से 10% जो है डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि इसके बाद तो वो कमर्शियल के लिए यूज हो रही है। तो देखिए नॉमिनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यहाँ पर हम फॉर द प्रीवियस 16/16/17 24 लाख का 5% कितना हुआ 1,20,000, फिर 16/17 में जितना भी WDV बैलेंस था देखिए ना 2,40,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, फिर जितना भी बैलेंस बचा यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है उसका आपका 10% लगेगा। सेम फॉर 2018-19, तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी फॉर द ईयर 1920, एट इज 20,57,700। अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा जो कि पी एंड एल में डेबिट कर सकते हो, इसका आपको बस 10% निकालना है। अब तो यहाँ पर 10% अलाउड होगा क्योंकि वो कमर्शियल के लिए यूज होगी। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अगर आप बिल्डिंग के अलावा कोई और एसेट लेके आते हो तो उस पर आपको नॉमिनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। मैंने किसकी बात कर दी, बिल्डिंग की बात कर दी, लेकिन अगर इस बिल्डिंग के अलावा कोई और एसेट लेके आ गए तो उस केस में आपको नॉमिनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका 35(1) क्या है ये, अगर आपने कोई भी रिसर्च में खर्चा किया है, कौन सा रिसर्च है ये, इन हाउस रिसर्च है। ठीक है, तो इसके दो केस होते हैं, या तो आप ये अपने बिजनेस रिलेटेड खर्चा कर रहे हो या तो आप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो आप देख सकते हो अलाउड ही नहीं है, बट अगर करते हो तो फिर डिपेंड करता है वो आपने कब कब खर्चा किया, या तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले बात करते हैं आफ्टर कमेंस ऑफ बिजनेस की, जितना भी आपने रेवेन्यू खर्चा किया
वो पूरा का पूरा 100% आपके लिए डिडक्टेबल है अंडर पीएनएल अकाउंट। बट अगर आपने कैपिटल किया तो भी 100% अलाउड है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे कोई भी आप इसका पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। कैपिटल तो अगेन फिर भी वही 100% है, लेकिन लैंड पे अभी भी अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो खर्चा रेवेन्यू नेचर हुआ तो सिर्फ दो ही केस में आपको जो है इसकी डिडक्शन मिलेगी, कौन कौन सी? इन द केस ऑफ सैलरी एंड द रॉ मटेरियल। अगर सैलरी हुआ तो वो मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि परक्विजिट अलाउड नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं होनी चाहिए। देन रॉ मटेरियल की वैल्यू जो वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अप्रूव करेगी, वही आप वैल्यू इसमें कंसिडर करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिसर्च एक्सपेंस है, कौन सा रिसर्च एक्सपेंस है? इन हाउस रिसर्च एक्सपेंस है। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो अलाउड ही नहीं है, तो आप भूल जाओ। बट अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो देखना पड़ेगा कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या फिर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। आफ्टर हुआ तो रेवेन्यू तो पूरा 100% है एंड कैपिटल भी 100% है एक्सेप्ट ऑन लैंड। बट अगर बिफोर कमेंसमेंट हुआ तो उस केस में आपको रेवेन्यू का खर्चा कितना मिलेगा, कितना डेटा के मिलेगा? 100%। कैपिटल का 100% एक्सेप्ट ऑन लैंड। रेवेन्यू में कौन कौन से खर्चे अलाउड है यहाँ पर? सैलरी एंड रॉ मटेरियल। सैलरी में कौन सा? एक्सक्लूडिंग ऑल दी परकेजेट्स। रॉ मटेरियल में वैल्यू अप्रूव हुआ है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अच्छा सर, आपने रेवेन्यू में यहाँ पर कुछ नहीं कहा, दैट मीन्स रेवेन्यू कौन सा होगा यहाँ पर? रेवेन्यू एक्सपेंस एनी, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो गए यहाँ पर 100% अलाउड है, ठीक है। अच्छा सर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस से कमेंसमेंट से पहले कितने साल पहले का? 3 ईयर्स बैक, ठीक है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आप किस पीरियड में खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो आप? 19-20 में खड़े हो, ठीक है। तो पिछले साल का 3 साल का देखिए, 1, 2, 3, इन 3 साल में आपने जितना भी खर्चा किया था कैपिटल में एक्सेप्ट ऑन लैंड तो पूरा 100% अलाउड है। रेवेन्यू में अगर आपने सैलरी या फिर रॉ मटेरियल में खर्चा किया तो भी 100% अलाउड है, ठीक है। बट अगर आफ्टर किया तो रेवेन्यू भी 100%, कैपिटल भी 100%, कैपिटल एक्सेप्ट ऑन लैंड, रेवेन्यू कोई भी नहीं छिड़का, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 35(2)(ab). देखिए ऊपर जो एक पॉइंट मिस हो गया, दैट इज यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? रिसर्च एक्सपेंस ओनली टू द बिजनेस रिलेटेड। बट ये बिजनेस के लिए था, यानी कि जो LLP है या फर्म है उनके लिए था। अगर कोई कंपनी होती तो उनके लिए क्या होता, क्या बोला होता यहाँ पर? कोई कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडिंग में अगर इन्वॉल्व है उनका बिजनेस, तो मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में खर्चा करेंगे एक्सेप्ट ऑन 11th schedule। 11th schedule क्या है सर? 11th schedule में देखिए लिस्ट अब होगी उन्हें, एक जैसे मान लीजिए सिन गोड्स, टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, तो उनको छोड़कर अगर कोई भी कंपनी किसी भी आर्टिकल मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका पूरा खर्चा जो है अगर रिसर्च में खर्चा हो रहा है ओनली रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली, तो वो अलाउड होगा। कैसे होगा? वही सेम, बिफोर कमेंसमेंट है तो 100%, आफ्टर कमेंसमेंट है तो लैंड पे तो होगा ही नहीं, बिल्डिंग पे 100%, अदर एसेट्स पे 150%। तो सर, तो क्या यहाँ पर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से लैंड भी अलाउड है? जी हाँ, यहाँ पर लैंड भी अलाउड हो गया, यहाँ पर लैंड अलाउड हो गया, यानी कि सिर्फ एक यही केस है जहाँ पर जो है लैंड पे आपको 100% डिडक्शन मिल रही है, ठीक है। वो लैंड अगर किसके लिए यूज़ हो रही हो? रिसर्च के लिए यूज़ हो रही हो, प्लस वो किसको मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है। कौन सी कंपनी? जो किसी भी आर्टिकल में मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है एक्सेप्ट ऑन 11th schedule list। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन 35(ad), कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल बिजनेस। देखिए अभी तक हम डिस्कस करते थे कि रेवेन्यू अलाउड है, और हम ऊपर पढ़ा था कैपिटल अलाउड ही नहीं है, यानी कि ये कुछ एक्सेप्शन केस है जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अलाउड कर दिया, यानी कि एक तरह से ये समझ लो ये कौन हो गए, ये VIP केस हो गया,
वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस हो गए, सिर्फ उन्हीं को ये अलाउड है। कौन कौन सा बिजनेस हो गए? मीन्स दोज हू आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। देन ऑपरेटिंग नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सिर्फ इनके लिए जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे 100% ये पूरा का पूरा अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 31 36(1) दैट इज अदर डिडक्शन। ये वो डिडक्शन जो हमने ऑलरेडी ऊपर तक हमने पढ़ ली, हमने देखिए कौन कौन सी डिडक्शन पढ़ी है 32 36(1) में। ये सब डिडक्शन जो हमने पढ़ी वो भी उसी की डिडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ लिमिट तक है, कितना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, यानी गोडाउन में काफ़ी सारे स्टॉक होता है, वो खराब होने होता है, तो उसका जो है बिजनेसमैन जो है उसका स्टॉक का प्रीमियम इंश्योरेंस कराता है, तो उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो कैश में भी अलाउड है, बैंक में भी अलाउड है, लेकिन आपको सेक्शन साथ में लेकर चलना पड़ेगा 40A3, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखिए मैंने आपको बताया था खर्चे तो अलाउड होंगे, लेकिन साथ साथ 40A3 भी साथ में चलना पड़ेगा। इस 40A3 क्या था कि अगर कैश एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ऊपर किया तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक प्रीमियम का 12,000 हुआ तो नहीं होगा, बैंक मोड में कितना भी करो पूरा पूरा अलाउड है। देन एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक मोड नहीं। सर मतलब कैश में तो कर सकते हैं, कैश पे नहीं कर सकते, लिखा ही नहीं है तो कैश अलाउड ही नहीं है, नाम लिखा है बैंक मोड ओनली, बैंक से कितना भी करो सिर्फ वही अलाउड होगा, कैश में तो आप 1,000 करो तो भी आपको डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक केस हो सकता है एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कराएं, LIP कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आपका कवर होता है अंडर सेक्शन 37(1) में, वहाँ पर अलाउड है। 36(1) में नहीं है वो, 37(1) में है, बट मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि अलग से कराना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉई, वो भी अलाउड है, बट साथ में आपको 43B ये भी लेके चलना पड़ेगा। सर ये कौन सा सेक्शन था? जो वो सेक्शन जो भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में बताया था, जैसे मैंने बताया था इन द केस ऑफ हाउस टैक्स कि कितना हाउस टैक्स अलाउड होगा, जितना आपने जितना SSC ने अप टू द डेट ऑफ आई टी आर वहाँ तक पे करा होता हुआ। देखिए 43B किस किस के लिए अप्लीकेबल है, कौन कौन से खर्चे के लिए अप्लीकेबल होता है, वैसे तो थोड़े दिन बताऊंगा लेकिन बताए तो मैं, एक तो एम्प्लॉयज ड्यूज, बैंक ड्यूज एंड गवर्नमेंट ड्यूज। अगर इन तीनों खर्चे पे अगर आपने बिजनेसमैन कोई भी खर्चा कर रहा है अगर वो ITR ड्यू डेट से पहले खर्चा कर देता है तो वो पूरा अलाउड है, ड्यू डेट के बाद अलाउड होगा ही नहीं। तो देखिए बोनस कमीशन किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, तो ये कौन सा हो गया एम्प्लॉय ड्यू हो गया। अगर ये एम्प्लॉय ड्यू ITR ड्यू से पहला हो गया तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप मैंने आपको बताया था कि सारे सारे जो आपकी GP भी जितना बढ़ोगे सारे सेक्शन आपस में इंटररिलेटेड होंगे, सो थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ आएगा, कम से कम 2 या 3 बार देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, सारे सेक्शन कई बार जो है आपस में ओवरलैप हो जाते हैं क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है, सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से प्रॉपर से नोट्स बना लो उसके। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी लोन लिया है बिजनेस पर्पज के लिए लिया है तो वह अलाउड है। ई पॉइंट डिस्काउंट ऑन 0 कूपन बुक, यानी कि अगर 0 कूपन बुक पर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो आप P&L में डेबिट कर सकते हो, बट अलाउड एज प्रो डाटा ओनली। सर ये क्या है, आइए उसको एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ 0 कूपन बॉन्ड कितना है ₹1,000 ईच, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने इशू करे 3,000, इशू कितना पे किया 850 पे गया, डेट ऑफ इशू कितना हुआ 17th May 2016, डेट ऑफ रिडेम्पशन 16th May 2019, दैट मीन्स
एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमें करना क्या इसका है, डिस्कस अबाउट द अलाउबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इन पिंटेल अकाउंट, अलाउड है या नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो हमें निकालना है कि लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितनी है, 36 मंथ्स। टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय 3000।